है, लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था ये तो बताओ, लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा? स्लैब, स्लैब कंपोजिट स्लैब पढ़ाई थी मैंने आपको, दो तीन स्लैब पढ़ाए थे और चिपकाया था उनको साथ में। कोई फर्क पड़ता है आंसर में? कोई आंसर में कोई फर्क, क्योंकि एक्स से इंडिपेंडेंट होता है। अच्छा शिफ्ट भी पड़ी थी, क्या पड़ी थी? शिफ्ट भी पड़ी थी। क्या शिफ्ट एक्स पे, मतलब शिफ्ट डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखे स्लैब से? डिपेंड नहीं करती शिफ्ट, 1 किलोमीटर रखो चाहे 10 मीटर रखो चाहे जितना भी रखो। क्लियर है? शिफ्ट का फॉर्मूला क्या था? 1 t ((1 - μ)) / μ(medium) सराउंडिंग वन एयर है तो क्या आ जाएगा? 1 क्या आ जाएगा? कंपोजिट स्लैब सिस्टम पढ़ लिया था, एक आधा क्वेश्चन भी कराया था कंकेव वगैरह, याद है तुम्हें? ठीक है, आज हम हेडिंग डालेंगे मेरे साथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या 10th में पढ़ा है? अरे हाँ ना, तो बोलो, याद थोड़ी पूछ रहा हूँ, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? शॉर्टकट में बोलेंगे TIR, क्या बोलेंगे? आवाज आनी चाहिए मेरे को, नहीं तो मैंने पढ़ाना ही छोड़ देना, खुद सिलेबस खुद ही पढ़ लेना फिर। क्या बोलेंगे शॉर्टकट में? TIR, क्या बोलेंगे? अच्छा बच्चों की तरह समझोगे, अच्छों की तरह समझोगे? अच्छों की तरह, ठीक है, बच्चों की तरह समझोगे, अच्छों की तरह? सच बताओ, क्योंकि फिर मैं 10वीं में वैसे पढ़ाऊंगा तुम्हें, अच्छी तरह समझोगे? चलो ठीक है, छोड़ो बच्चों की तरह, छोड़ो अच्छी तरह। मान लो यहाँ पे समझो, मान लो ये एक मीडियम है जिसको मैंने बोला एन ऑफ डी और इसको बोला एन ऑफ आर। एन डी का मतलब डेंसर मीडियम, कौन सा मीडियम? और ये कौन सा मीडियम? कोई शक की बात? यहाँ पे बनाया एक नॉर्मल, क्या बनाया यहाँ पे? एक नॉर्मल, ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ पे गई रे आई एंगल पे, कितने एंगल पे? आई एंगल पे। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे गई एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है, बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई शक की बात। डेंसर से रेयर जा रही है, कहां जा रही है? आपको पता है डेंसर से रेयर जाए तो अवे होती है, क्या होती है? अवे, यानी जाना इसको क्या ऐसे था और जाएगी कुछ ऐसे, और ये एंगल क्या बन जाएगा? एंगल आर, क्या बन जाएगा? इसमें कोई शक की बात, सबको पता होगा कि एंगल आई इज ग्रेटर देन, सॉरी आर किससे बड़ा है? आई से बड़ा है, सबको पता है नहीं पता है? बिल्कुल, ध्यान से अगर एक बात समझोगे तो आई जीरो डालोगे तो आर भी जीरो, पर अगर आई 10 ले आओगे तो आर 10 नहीं आएगा, 10 से बड़ा आएगा, क्या आएगा 10 से? क्योंकि आर तो बड़ा होगा ना यार, क्योंकि कहां से आ रहा है? डेंसर से रेयर। फिर मैंने आई को 20 करूं तो आर 20 आएगा या 30 आएगा या 40 आएगा, ज्यादा ही आएगा उससे, इसका मतलब 90 कौन हो रहा है पहले, क्या ये 90 हो रहा है? इसका मतलब हमने क्या किया, हमने आई बढ़ाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया हमने, देखो आई, देखो पहले आई इतना था, अब आई को बढ़ाया, तो हमने देखा ये एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है, जो एंगल ऑफ क्या है बेटा, ये 90 डिग्री हो गया, किसके बराबर हो गया? 90 डिग्री को। ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए बेटा, 90 डिग्री, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, क्या बोलते हैं इसको हम? क्रिटिकल एंगल। डेफिनेशन बिल्कुल नहीं लिखा रहा हूं, ये बोर्ड में आएगी, पर तुम्हें मैंने समझा दी। ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, 90 डिग्री, उस एंगल को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल। क्या बोलते हैं उस एंगल को? इसमें कोई शक की बात? किसी को पूछना है कुछ? ठीक है, बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, इतना आप समझ गए पक्का। अब देखो कहानी यहां तक बिल्कुल अच्छी चल रही थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये कहानी चली यहां से यहां, यहां से। अब हमने आई को और बढ़ाया, आई को और बढ़ाया, यानी अब आई हम क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दिया हमने। यहां पे आई किसके बराबर है? क्रिटिकल एंगल के बराबर। किसके बराबर? अब हमने और बढ़ाया है इसको, ये देखो इस मार्क से हमने और बढ़ाया भाई, और बढ़ाया। तो अब ये जो एंगल है ये है आई इज ग्रेटर देन सी, आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया। अब फील करो क्या ये पहले ही यहां पे आ चुकी है? यार अब क्या अंदर ही आ जाएगी? इसका मतलब यहां से गई और क्या यहां पे आ गई? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अब रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, अब इस पॉइंट पे क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ। क्या हुआ? और इसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसका मतलब ये वाली जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह टाइप, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करती है, बिहेव एज रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग मतलब स्फेरिकल भी हो सकता है और प्लेन भी हो सकता है। क्या फील आया तुम्हें? यानी यहां तक तो क्या हो रही थी? रिफ्रैक्शन। पर इस पॉइंट पे क्या होगी? रिफ्लेक्शन। और इसी को क्या बोला? टोटल इंटरनल। इंटरनल मतलब पूरी अंदर अंदर, कुछ बाहर नहीं। क्या फील आया? सिंपल सी बात है, पहले हमने आई पे भेजा, क्या आर पे निकली? आई को बढ़ाया तो आर 90 हो गया,
उस एंगल को हमने बोल दिया क्रिटिकल एंगल। क्या बोल दिया? एंगल। अब हमने आई को और बढ़ाया, मान लो क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री आया, कितना आया? अब हमने 60 से 70 कर दिया, तो 70 जैसे ही किया इसको, ये रे वापिस आ गई, मतलब अब रिफ्रैक्शन नहीं दिखाई, अब दिखाई रिफ्लेक्शन। क्या दिखाई? और इस फेनोमेना को बोला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या समझ आई तुम्हें? पक्का? इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर मैं इसमें से पर्टिकुलर केस लूं, यहां पे देखना क्रिटिकल एंगल वाला केस, क्या क्रिटिकल एंगल वाला केस ये है? ध्यान से देखो, ये N2 है और ये N1 है, क्या ये एंगल I इज इक्वल टू C है और ये क्या R ऐसे है? अरे हाँ ना बोल, R किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर। किसके बराबर? अगर हम स्नेल्स का नियम लगाएं तो क्या बोल सकते हैं? दिस एंगल इंटू दिस और दिस एंगल इंटू, तो ध्यान से देखो क्या लिख सकते हैं, साइन C इंटू N2 इज इक्वल टू क्या साइन 90 इंटू N1, इसको N1 बोलो, इसको N2, इधर आ जाएगा N2 और इधर आ जाएगा N1। अरे हाँ ना तो बोल, साइन 90 किसके बराबर था? 1 के बराबर। किसके बराबर? तो जो साइन सी की वैल्यू आई वो आ गई बेटा N2 बाय N1। इसमें कोई शक की बात, या इसको आप और अच्छे से याद कर सकते हैं, इसको मैंने बोला था NR और इसको बोला था ND, और आप इसको ऐसे लिखना NR डिवाइड बाय ND, इसमें कोई शक की बात। फील आया? ये किसका फॉर्मूला? क्रिटिकल एंगल का। किसका? जैसे एग्जांपल समझाता हूं, NR क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम। कौन सा मीडियम? मान लो बाहर हवा हो, बाहर क्या हो बेटा? तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन म्यू। क्या हो जाएगा? अरे हाँ ना बोल, पर ये किसके लिए? एयर के लिए। किसके लिए? पर आपको ऐसा याद रखना, आपको ऐसे याद रखना, छोटा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय बड़ा वाला। जैसे एग्जांपल मान लो, से बोला एक रे जा रही है 5 से 3, कहां से? मतलब ये 5 होगा, क्या ये 3 होगा? तो क्या 3/5 डालेंगे, तो 3/5 सी की वैल्यू क्या 37 डिग्री होगी। दैट्स इट। आया तुम्हें? नहीं आया? यानी टोटल इंटरनल में मैंने एक और चीज देखी, अगर रे रेयरर से डेंसर जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर डेंसर से रेयरर जा रही है तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। याद रखना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमेशा कब होगा? जब रे कहां से कहां जा रही है? डेंसर से। सिंपल। फील आया? और दूसरी कंडीशन क्या? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। यही दो कंडीशन, और कोई कंडीशन? सिंपल। और फार्मूला साइन सी इज इक्वल टू छोटा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय बड़ा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस यही कहानी, और कोई कहानी इसमें? अच्छा मान लो, अगर सुनना, कंफ्यूज मत होना, मान लो ये एंगल है, क्रिटिकल एंगल है 45 डिग्री, कितना? तो 45 पे डाली तो क्या आर की वैल्यू 90 आई? तो उल्टा भी सही है, अगर आर 90 पे डालते तो ये आई क्या 45 आता? हाँ, उल्टा भी इसका सही है, इसमें कोई शक की बात। देखो आप कुछ पूछना है तो बताओ, कुछ पूछना है तो बताओ, और ये तभी पता चलेगा जब ध्यान से देखोगे। अगर किसी को नहीं समझ आया फिर भी बता दो, अगर आया तो जल्दी बोलो, बस बोलो, बस ऐसे मुंह ऐसे। और बताऊं कुछ इसमें? ये समझ आ गया? कीर्ति पूछना है कुछ? तुम लोगों ने पूछना है कुछ? नो सर। हाँ या ना? नो सर। बोलो जोर से। नो सर। पक्का? यस सर। बाकी बाकी बाकियों की आवाज भी है, तुम्हारी आवाज नहीं है तेरे पास? क्या गुटखा खा रहा है क्या? हैं? खोल इसके, खोल इसके मास्क। गुटखा खा रहा है? इधर एक गुटखा खा रहा है? तेरे ऐसे नजर लगा रहे हैं ना उसको। ठीक है, मिटा दूं? पक्का? अरे आवाज आनी चाहिए। यस सर, मिटा दो सर। गधेड़े ऐसे पढ़ते हो? मैं सोच रहा था और अच्छे से कराऊं इसको, बहुत है ये। नहीं सर, और अच्छे से कराओ। और अच्छे से कराऊं इसको, ये नहीं समझ आया तुम्हें? 10वीं का टॉपिक। अच्छा बताओ, और अच्छे से पढ़ना है इसको या बहुत है ये तुम्हारे लिए? बहुत है, जल्दी बताओ, पढ़ना है और अच्छे से इसको? हैं? पढ़ना है और अच्छे से? चलो आ जाओ, देखो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, देखो, देखो, देखो। अच्छा यहाँ पे आ जाओ भाई, देख लो। अब इसमें हम एक चीज ड्रॉ करते हैं जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ, इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस आई का ग्राफ। ये एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका क्यों पढ़ा रहा हूँ ध्यान समझना, खासकर जेके बोर्ड छोड़, तुम छोड़ो, मतलब तुम ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा, सीबीएसई तुम्हारे लिए एक नंबर से यहाँ पे क्वेश्चन फंस सकता है, तो ध्यान से पढ़ना। एक नंबर का फंसेगा, ठीक है? आएगा तो एक नंबर से, यहीं से आएगा क्वेश्चन, ध्यान से देखना, अगर आ जाए तो अच्छी बात है। एंगल ऑफ डेविएशन समझते हो सब, कि रे कितनी डेविएट होगी?
और वर्सेस आई का हमको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, एक ग्राफ। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये आ गया आई और ये आ गया एंगल ऑफ डिविजन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो, मान लेते हैं केस में ये है N2 और ये है N1, और इस केस में जो आई है वो क्रिटिकल एंगल से छोटा है। कैसा है, छोटा। तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। अरे आई तो छोटा है ना सी से, तो नहीं होगी। मान लो ये आई है, ये आई है, तो क्या जाना इसको ऐसे था, पर क्या मुड़ गई ऐसे, तो ये एंगल आर है। टोटल एंगल कितना है, अगर आप ध्यान से देखो ये आई है तो क्या ये भी आई है, अरे हाँ ना, वो तो डेविएट तो ये हुआ ना, तो एंगल ऑफ डेविएशन किसके बराबर है, किसके बराबर, सॉरी आर माइनस। देखो ऐसे पढ़ोगे ना तो मजा भी आएगा, आर माइनस आई। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है, वन वन स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है, लगती है पर है नहीं है। क्यों बेटा, आर भी तो चेंज हो रहा है, जैसे जैसे आई चेंज करूंगा वैसे वैसे। अगर आर कॉन्स्टेंट होता फिर ये स्ट्रेट लाइन होती विद नेगेटिव स्लोप। कौन सी स्लोप होती, नेगेटिव, मतलब एंगल कैसा बनता, थीटा, थीटा ऑब्टूस, कैसा एंगल बनता। पर यहाँ पे आर भी तो चेंज हो रहा है। अब ध्यान से देख आर कैसे चेंज हो रहा, सुन, अगर यहाँ पे स्नेल्स का नियम लगाए तो क्या बोल सकते हैं, सुनना, क्या साइन आई इंटू एन वन इज इक्वल टू साइन आर इंटू एन टू बोल सकते हैं। तो यहां से देख साइन आई इंटू एन वन और एन टू यहां से आया, और क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स आर की वैल्यू ये आई नहीं आई यहां पे पुट कर, तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कितनी आई, देख आर माइनस आई, तो आर की वैल्यू ये है, तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन आई एन आई बटे एन टू क्या माइनस आई, क्या ये वैल्यू आई। ये कोई स्टैंडर्ड रिलेशन नहीं है, ये कोई स्टैंडर्ड रिलेशन नहीं है। तो अब होता क्या, यहां पे जो ग्राफ बनेगा ना बच्चे को समझ नहीं आता, क्योंकि ऐसे रिलेशन हमने पढ़े, तो जो ग्राफ बनाऊंगा वो थोड़ा सा रटना है, वो थोड़ा सा रटना है। अब ध्यान सुनना, पर थोड़ी बातें हम इसको पता है कि देख कैसे बनेगा ग्राफ, हमको पता है यार अगर मैं आई जीरो लूं, क्या लूं बेटा, तो आर भी जीरो होगा। अरे एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो तो रिफ्लेक्शन भी जीरो, अगर आई जीरो आर जीरो तो एंगल ऑफ डेविएशन भी कितना आएगा, जीरो। इसका मतलब हमको एक बात पता चल गई है, आई जीरो पे डेल्टा जीरो है, तो मतलब ग्राफ स्टार्ट तो ओरिजिन से होगा। कहां से स्टार्ट होगा, इसमें कोई शक की बात। अब एक टॉप मोस्ट पॉइंट पे मान लो आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर है, किसके बराबर, क्रिटिकल एंगल के बराबर होगी। बेटा अगर आई सी के बराबर है तो आर क्या 90 हो जाता है, पढ़ा हमने यार, आई की वैल्यू सी हो जाए तो आर कितना हो जाता है 90, और 90 को क्या पाई बाय 2 लिख सकते हैं, तो सीधे पाई बाय 2 ही लिखेंगे अच्छे से। अगर आर पाई बाय 2 तो डेल्टा की वैल्यू यहां से क्या निकल गई, क्या पाई बाय 2 माइनस आई, और आई की वैल्यू क्या सी, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई पाई बाय 2 माइनस सी। क्या फील आया, यानी कहने का क्या मतलब है, जब आई की वैल्यू सी है, मान लो ये आई है, आई की वैल्यू सी यहां पे है, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी है पाई बाय 2 माइनस सी, मतलब कहीं यहां पे। तो ये दो पॉइंट मिल गए। अब बात आती है दो पॉइंट में कैसा रिलेशन है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये रिलेशन है पैराबोलिक, मतलब आप बोल सकते हो ये रिलेशन ऐसा, पैराबोलिक भी नहीं, आप ऐसे बोलना इसको। अब बच्चा बोलता है सर ये कहां से है, यही तो मैं बता रहा हूं, ये आपके सिलेबस में ये आपने पढ़ा, बट आपको रटना है कि इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। यानी जब आई की वैल्यू सी है तो इसकी वैल्यू क्या है पाई बाय 2 माइनस सी, इसमें कोई शक की बात पाई बाय 2 माइनस सी। धीरे धीरे समझ आएगा, ध्यान से समझना। अच्छा क्या इतनी बात समझ आ गई पक्का। ये केस कौन सा था, ये केस था जब आई कैसा है सी से छोटा, आई कैसा है सी से छोटा, ये समझ आ गया। yes, अब एक केस लेते हैं जिसमें आई सी से क्या हो जाएगा बड़ा। कोई बात नहीं, मिटा दूं, ध्यान से देखना ये ग्राफ, ध्यान से देखना ये वैल्यू क्या थी पाई बाय 2 माइनस, पाई बाय 2 माइनस सी। ठीक है, अब देखना केस सेकंड, अब आई बड़ा हो जाएगा सी से, ध्यान से देखो क्या ये एन टू क्या ये एन वन, अगर ये आई है और ये सी से बड़ा है, अगर आई सी से बड़ा है तो अगर ध्यान से सुनना कुछ नहीं होता, बेंडिंग नहीं होती तो कैसे जाता, पर अब सी से बड़ा है तो क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, अरे हाँ ना, तो बोल। तो ध्यान से देखो ये एंगल डेविएशन है इस टाइम, अगर ये आई तो ये भी आई, और टोटल क्या 180, तो ध्यान से ये डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई पाई माइनस 2 आई, कितनी आ गई पढ़ा ना यार हमने, डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई पाई माइनस 2 आई, कितनी बात क्लियर है। अच्छा अब देखो एग्जांपल कराता हूं आपको फील आएगा, ध्यान से सुनना, मान ले ये वैल्यू है रूट 2, कितनी वैल्यू, ये है वैल्यू 1, कितनी वैल्यू 1। अगर तू ध्यान से देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस में 45 डिग्री डालूं, कितना डालूं 45 डिग्री, कितना डिग्री 45 डिग्री।
अगर आप ध्यान से देखो तो इसका क्रिटिकल एंगल निकालो तो सीधे लिख सकता हूँ साइन सी इज इक्वल टू दिस बाय दिस, तो कितना 1/√2, तो साइन सी इज इक्वल टू 1/√2। कब होती है 1/√2 वैल्यू कब होती है साइन की? 45 डिग्री पे। कितने पे? तो क्रिटिकल एंगल कितना आ गया 45 डिग्री। इसका मतलब क्या, ये क्रिटिकल एंगल है? तुम बोल रहे नहीं हो यार। ये कौन सा एंगल हुआ? क्रिटिकल। तो रे को क्या जाना ऐसे था, पर वो क्या 90 मुड़ जाएगी ऐसे करके, जो आर वाली रे वो क्या ऐसे जाएगी। इसका मतलब डेविएशन के 45 डिग्री का आया। कितना डिग्री का आया? 45। इतना तो मानते हो ना यार। अब सुनो, मैंने इस 45 डिग्री को, ध्यान सुनो, इस 45 डिग्री को, क्रिटिकल एंगल को नहीं, 45 डिग्री को मैंने ऐसे किया 45.000000, मतलब तुम्हारी 10 पीढ़ियां जीरो और मैं क्या लगा दूं, वन क्या लगा दूं, क्या ये 45 से बहुत ज्यादा या बहुत कम? ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ये बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा। 45 से ये कैसा है? जस्ट ज्यादा। कैसा? मतलब जब वैल्यू डालेंगे तो 45 ही लिखेंगे, बट अगर आप ध्यान से देखो 45 पे क्या ये यहाँ पे है, 40 पॉइंट पे 0.0001, पर सी से तो बड़ा ही है, सी से बड़ा तो क्या मारेगा, TIR क्या होगा, तो मतलब क्या ये यहाँ पे आएगा। अगर ध्यान से देखो 45 45, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री। कितनी आई? 90 डिग्री। तुम्हें आया? अगर मैं और अच्छे से बताऊं आपको तो ये 45 भी नहीं है, ये वैल्यू है π/2 - c। देख लो ध्यान से, 90 - c क्या 45? वही लिखा है यहाँ पे। देखो ये कितनी थी, ऊपर देख ले π - 2c। ध्यान से 90 आपसे 180 - 2 × c की वैल्यू क्या 45, तो 180 - 90 आंसर कितना 90। कितना? इसका मतलब जैसे ही 45 से पॉइंट पॉइंट वन गए तो ग्राफ ने जंप मारा। ग्राफ ने यहीं पे जंप कहाँ पे मारा बेटा? π - 2c पे। कितने पे? π - 2c। और अगर आप ध्यान से देखो तो क्या पाई कॉन्स्टेंट है? हाँ। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, वाई इज इक्वल टू mx - c +-c। अरे हाँ ना, बोल क्या ये आ रहा है, ध्यान से देखो m क्या नेगेटिव में है, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैसी बनी विद नेगेटिव स्लोप। तो यहां से आया ये गोलू, यहां से आई ऐसे, ये बना ग्राफ इसका। फेल आया नहीं आया? ये गोलू क्या बनाया है? ये गोलू इसलिए बनाया, ये वैल्यू इंक्लूडेड। मैथ्स वालों को पता है ना इस गोलू का मतलब, ये वैल्यू इंक्लूडेड है। तुम्हें ये चीज समझ आई नहीं आई? यानी कहने का, जैसे जैसे आपको याद है फोकस मैंने कैसे पढ़ाया था आपको, फोकस से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा करते थे तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जंप मारती थी इमेज। अरे हाँ ना बोल। वैसे ही अगर 45 है तो एंगल ऑफ डेविएशन 45 डिग्री का, कितने? पर जैसे थोड़ा ज्यादा हुआ तो डेविएशन कितने का आया? 90 डिग्री का। कितना? हालांकि हमारा क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ही ज्यादा हुआ है, पर फिर भी देख लो 45 डिग्री और एंगल बड़ा नहीं बड़ा, ये वैल्यू। अब इसमें एक नंबर का सवाल कैसे बनता, सुन। क्वेश्चन आया एक पेपर में, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन आया, मान लो ये है √2 क्या ये, और ये है 1। यहां पे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, उसने बोला कि ये 1 और √2 तो दे दिया उसने, उसने बोला फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस सच दैट जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है वो 15 डिग्री है। कितना? 15 डिग्री। क्या रे को ऐसे जाना चाहिए था? ध्यान से फील कर, क्या ऐसे जाना चाहिए था? पर रे डेविएशन कितनी होगी? 45 डिग्री पे, मतलब सॉरी 15 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 15 डिग्री पे। तो आपको यही निकालना था, आपको क्या निकालना था? यही निकालना था, ये आई कितना होगा। अब बच्चा क्या करता है नॉर्मल, सुन, वो भी ठीक है अपनी जगह, सुनो सुनो कैसे करता है बच्चे, बच्चे ने कैसे किया, बच्चे ने बोला स्नेल सुनाओ ने कहा क्या √2 × sin i = यहां का एंगल निकाल सकते हैं हम, यहां का एंगल निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। सुन कैसे, क्या ये टोटल एंगल आर, ये टोटल एंगल आर? अरे हाँ ना बोल। पर ये आर किसके बराबर है? क्या ये वाला आई होगा और ये वाला डेल्टा होगा? तो आर किसके बराबर है? क्या आई प्लस डेल्टा? तो उसने बोला साइन आई प्लस डेल्टा और इंटू वन। अरे बोला नहीं बोला? और डेल्टा की वैल्यू तो पता ही है 15। डेल्टा की वैल्यू कितनी है? 15। उसने आंसर निकाला और उसके आई की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। कितना आ गई? इसने 100% करेक्ट है, बिल्कुल 100% करेक्ट, कोई झूठ नहीं है इसमें, आंसर भी उसका ठीक है। बट ऑप्शन में, मतलब क्वेश्चन में ये ऑप्शन ही नहीं है, क्वेश्चन में ये ऑप्शन है। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया कैसे, देख फील भी करता है तो आराम से सोच भी सकता है कैसे। सुन बेटा फील कर, ये 30, अगर ये 30 होता ये कितना होता? 20। तो ये क्या 45 पे निकलती, तो अब ये भी तो 30 है तो ये 15 हुआ, तो आंसर देख मैच कर रहा है नहीं कर रहा है? ठीक कर रहा है मैच, इसमें कोई शक की बात। बट यार एक आंसर तब भी तो हो सकता है जब TIR हो जाए, इसमें TIR हुई क्या? इसमें तो रिफ्लेक्शन हुई है, क्या हुई है? तो एक आंसर तब भी हो सकता है जब क्या हो जाए? TIR। तो TIR की कंडीशन क्या? π - 2i। तो ध्यान से देखो क्या π - 2i = डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू क्या? 15 डिग्री। कितनी दी है?
तो माइनस टू आई इज इक्वल टू डेल्टा की वैल्यू 15 माइनस 180, तो ध्यान से देख आई की वैल्यू इसमें माइनस करेगा ये आएगा 165, कितना आएगा 165 माइनस माइनस कटेगा डिवाइड बाय 2 करेगा तो आंसर आएगा 82.5 डिग्री, कितना, दिस इज द करेक्ट आंसर। तुझे फील आया या आया ही नहीं तेरे को, चला पता, तो आंसर ये था। ठीक, दोनों तरीके से किया जा सकता था। अब देख तेरे को ग्राफ से समझाता हूँ, ग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट है, तेरे को फील आएगा। हमारा डेविएशन कितना है 15 डिग्री, कितना 15, और आर कितना हुआ क्या 45 डिग्री, ये देखो ये 30 है और ये कितना 15, तो एंगल कितना हुआ 45 डिग्री, कितना, यहां पे देखो पाई बाय 2 माइनस सी, पाई बाय 2 माइनस सी, अगर हम सी निकाल ले तो सी भी 45 आएगा। देखो साइन सी इक्वल टू 1/√2 वैल्यू कितनी होती है 45 डिग्री पे, कितने पे 90 माइनस 45 क्या आंसर कितना आएगा 45, कितना आया, इसमें कोई शक की बात, पर हमारा एंगल ऑफ डेविएशन कितना है 15, अगर ये 45 है तो 15 कहीं यहाँ पे होगा, अरे हाँ होगा या नहीं होगा, तो अगर ध्यान से तू इसको एक्सटेंड कर तो ध्यान से देख, एक ये वैल्यू मिल रही है और एक क्या दो वैल्यू मिल रही है, तो आंसर भी दो आए, एक 30 और एक 82.5। तुझे आया नहीं मैंने क्या बोला, क्या इस पे दो वैल्यूज मिल रही हैं, तो आंसर में भी तभी दो वैल्यूज आई, पर क्वेश्चन पूछने वाले ने कौन सी वैल्यू पूछी थी, और ये बच्चे को दिमाग लगाना था कि कौन सी, क्या फील आया। अब सुन ध्यान से, क्वेश्चन कैसे फंसेगा तुम्हें, अब सुनो बात, अगर वैल्यू 0 से लेके पाई बाय 2 माइनस सी के बीच हो तो दो आंसर आएंगे, कितने आंसर आएंगे, अगर वैल्यू पाई बाय 2 माइनस सी से दो गुना, अगर देख इसको मल्टीप्लाई 2 कर तो आंसर आएगा पाई माइनस 2 सी, ध्यान से देख इसको मल्टीप्लाई 2 2 कैंसिल और यहां पे 2 सी, अगर इसके इसके बीच में वैल्यू आई तो ध्यान से देख कितना आंसर आएगा, एक, यहां तो एक ही है ना यार आंसर, तो ये सीख के पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, सीख के, जैसे एग्जांपल देता हूं, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, एक ही कराऊंगा ध्यान से पूछने के लिए, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा सारे डाउट खत्म। उसने बोला एक मीडियम है 3, एक मीडियम है 5, कितना, ये है 3 और ये है, इसमें कोई शक की बात, तो साइन सी इज इक्वल टू क्या 3/5, तो सी की वैल्यू आई 37 डिग्री, कितनी आई, यानी क्रिटिकल एंगल कितना है 37 डिग्री, कितना। उसने बोला फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, फाइंड द सच दैट एंगल ऑफ डेविएशन इज 45 डिग्री, सच दैट एंगल ऑफ डेविएशन इज 45 डिग्री। अब सुन करना कैसे है, हमको सी पता चल गया, सी कितना है हमारा 37 डिग्री, और हमको डेल्टा पता चल गया कितना है 45 डिग्री। अब सुन करना क्या, तो चुप करके सी की वैल्यू यहां डाल, 90 माइनस 37 क्या 53, कितना आंसर आया। अब डेविएशन 53 से कम है या ज्यादा है, कम है, 53 से कैसे कम है, तो क्या यहां पे आएगा, यहां पे तो कितने आंसर आएंगे, अगर सेम क्वेश्चन पे वो बोल देता एंगल ऑफ डेविएशन 60 डिग्री है, कितना डिग्री, तो क्या ये 53 था, तो 60 क्या यहां आता, तो आंसर कितना आता, एक। अब एंगल अगर 60 होता और बच्चा ये निकालता तो इससे तो आंसर आता ही नहीं, अबे ये तो कब की कहानी है, रिफ्रैक्शन की कहानी, और 60 डिग्री पे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो आंसर किससे आता फिर, अरे ये समझो, होता भी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो सिर से ऊपर से जाएगा, ये नहीं समझ आ रहा है, आया सर, मैं सच बता रहा हूं, वीडियो में एक और बार देखना आ जाएगा समझ, ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है, अगर ये 60 डिग्री होता तो ये तो 53 है, तो ग्राफ पढ़ना तो आता है ना, अगर ये 53 है तो ये 54, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60 ऊपर आता ना, तो क्या वैल्यू एक ही आती, अगर वैल्यू यहाँ पे आती तो यार ये वाला फॉर्मूला कैसे लगाते, क्योंकि तेरे को पता है यहाँ से तो क्या शुरू हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो यानी इस पे आंसर फिर नहीं आता, क्या फील आया या नहीं पता चला, आ गया। पक्का आ गया, चलो आ जाओ मिटा दो, सर क्या करा रहे हो सर, ये बकवास है एक नंबर का, सीधे बताओ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, डेफिनेशन बताओ, अच्छा आ जाओ आज आप थोड़ी काम की बातें करते हैं, आपकी बोर्ड की बातें करते हैं, खुश रहोगे आप, ठीक है, क्वेश्चन करें एक, चलो आप क्वेश्चन देखो, मान ले एंगल थीटा, कितना एंगल ये थीटा एंगल, ये एंगल 90, ये एंगल ये पी, ये क्यू और ये आर, कोई शक की बात, लाइन सीधी गई तो क्या सीधी ही चले जाएगी, ये एंगल 90 पे निकली, कितने पे, तुम बोल रहे नहीं हो मेरे साथ, यहां से 90 डिग्री एंगल बना रहे, ठीक है, फील आया, अच्छा सुन, अगर मेरे को एक बात बताओ, यहां पे टकराई, मैंने बोला फाइंड थीटा, फाइंड सच दैट टी आई आर टेक्स प्लेस एट पी क्यू, पी क्यू क्या हो रहा है, टी आई आर क्या हो रहा है, और फाइंड थीटा निकालो, क्या निकालो, फाइंड क्या निकालो, थीटा, टी आई आर की कंडीशन क्या है, टी आई आर की कंडीशन है जो भी यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बने, क्या बने, क्या वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, यही तो कंडीशन है, अगर तो ध्यान से देख ये थीटा तो क्या ये भी थीटा,
तो ये कितना क्या 90 माइनस थीटा, इसका मतलब अगर तू ध्यान से देख तो यही तो 90 माइनस थीटा इस टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इसका मतलब 90 माइनस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन कितना, क्रिटिकल एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन, फील आया। अब क्रिटिकल एंगल कैसे, मान ले बाहर हवा है और ये वैल्यू है रूट टू, कितनी वैल्यू, तो क्या 1/√2 सीधे कर दूं sin c के बराबर, तो क्या 45 डिग्री, तो इस c को क्या बोल सकता हूं 90 माइनस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 45 डिग्री। ध्यान से देख तो थीटा वहां जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, माइनस में इधर जाएगा तो थीटा मस्ट बी स्मॉलर देन 45 डिग्री। दिस इज द आंसर। क्या तुम्हें आया नहीं आया, ये माइनस में उधर गया, दोनों माइनस में गए, दोनों ने शिफ्ट किया अपने आप को, साइन क्या चेंज हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन। समझ आया नहीं आया, क्योंकि अगर यहां पे टी आई आर होना है तो ये एंगल क्रिटिकल एंगल से कैसा चाहिए, बड़ा चाहिए, तो वही तो कंडीशन है। और क्रिटिकल एंगल कितना है 45, तो ये एंगल कितना होना चाहिए 45 से कम। अब एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं पता, पर उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, पक्का। अब एक नंबर में आ जाता थीटा की वैल्यू दे देता 37 डिग्री, तो आप टिक करके आ जाते, पर वहीं 50 दे देता तो क्या टिक करके आते, वो तो गलत है। क्लियर होगी बात। अच्छा नेक्स्ट देख, मिटाऊं इसको, इसको मिटा देता हूं। ना देखो यहां पे, मान लो ये है रूट टू क्या है ये, और ये है वन क्या है ये। आज मैंने बड़े क्वेश्चन कराने हैं आपको, बैठ जाओ आराम से सीट पे, ठीक है, सुन ले। यहां पे, यहां पे मैंने बल्ब रखा है, क्या रखा है यहां पे बल्ब, यहां से एक मीटर की दूरी पे, कितने मीटर की, एक मीटर की दूरी पे यहां पे मैंने बल्ब रख दिया, क्लियर। और यहां पे हमारा ऑब्जर्वर क्या है, हमारा ऑब्जर्वर, हमारी ऑब्जर्वर की आंखें यहां पे, हाँ बेटा मान ले आंखें, और ये भी बल्ब नहीं है ना, फिर ऐसे ये भी तो बल्ब नहीं है, फिर ठीक है सुन लो, मान लो ये है 1 मीटर यहां तक, ठीक है, पर मैं यहां से रेज लूंगा, ठीक है, आप मान लेना यहां तक बल्ब, ठीक है। हमने बताना फाइंड एरिया, फाइंड एरिया जिसमें से इसकी आंखों पे लाइट पड़ रही है। देखो फील करो, फील करना क्वेश्चन को, पानी में क्या रख दिया हमने, पानी में कहां रख दिया, कहीं भी रख दिया, जिसका अंडर रूट टू है, क्या है उसका अंडर रूट, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वहां पे रख दिया, तो क्या लाइट रेज निकल रही है, क्या मेरी आंखों में आएंगी, किस एरिया से मेरी आंखों पे आ रही है, वो एरिया मुझे फाइंड करना है, दैट्स द क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं, पहली बात मैं इसको कब देख पाऊंगा, जब इससे जो रेज निकलेंगी क्या मेरी आंखों में जाएंगी। ध्यान से देख, पहली रेज निकाली, ये पहली रे, क्या नॉर्मल बनेगा, ध्यान से देखो, तो ये वन, ये अंडर रूट टू, तो ये वैल्यू बड़ी, तो डेंसर से रेयर क्या अवे फ्रॉम द, कि यहां जाएगी, फिर लाइट रे निकली, क्लियर है बात। अगर तू ध्यान से देख, तो अगर मैं इसका क्रिटिकल एंगल निकालूं, तो साइन सी इज इक्वल टू क्या 1/√2, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, कितनी आ गई, मान लेता हूं ये एंगल 45 डिग्री पे आया, कितने पे आया, क्योंकि बहुत सारी रेज निकल रही है, निकली निकली निकली, अब कितने में निकली 45 पे, कितने पे, तो क्या ये क्रिटिकल एंगल है, इसका मतलब अब जो एंगल रिफ्रेक्टिव एंगल क्या 90 डिग्री बनाएगा, अब रे क्या बैंड हो ऐसी हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। अब एक और रे निकली, फिर नॉर्मल बना, अब ये सीधी आई थी क्या टी आई आर हो जाएगा, अब रे टी आई आर, अब रे ऊपर जाएगी, इसका मतलब क्या ये पॉइंट नजर आएगा, ये पॉइंट नजर, अरे रे तो आई नहीं उसकी आंखों पे, ये वाली रे दिखेगी उसको, पर ये वाली रे दिखी नहीं, नहीं दिखी ना। अब फील करो, क्या ये यहां से भी ऐसे बनेगा, यहां से भी ऐसे, फिर यहां से फिर ऐसे, अरे हाँ ना तो बोल, अगर आप ध्यान से देखोगे इसको तो ये 3D में है, कैसा है, 3D तो ये ऐसे निकलेगा, निकलेगा नहीं ऐसे करके, फील कर इस पकड़ इसको, ये ऐसे करके रेस निकलेंगे, तो ये अगर ऐसे करके रेस, अगर मैं गोलू बनाऊं तो क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो मतलब यही एरिया निकालना है मेरे को, ऐसे इस सर्कल में से निकल रहा है, फील आया। अगर ये 1 मीटर, ध्यान से सुनो, सुनो ध्यान से, अगर ये 1 मीटर, तो ये वाली ट्रायंगल देखो, ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल, अगर ये 1 मीटर, तो ये भी 1 मीटर, तो हमको तो क्या एरिया निकालना है, और एरिया ऑफ सर्कल क्या, पाई आर स्क्वायर, ध्यान से देखो, तो आर की वैल्यू 1 है, तो आंसर आ गया पाई मीटर स्क्वायर, क्या आंसर आ गया, इसमें कोई शक की बात, सिंपल। इसकी एप्लीकेशन है, इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, क्या बोलते हैं, मैंने आपको क्वेश्चन से करा दिया, मैंने आपको क्वेश्चन से इसका फॉर्मूला पढ़ाते हैं, रटने की कोई जरूरत, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, रटना बिल्कुल भी, ये जो सर्कल बना इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन यानी लाइट, जिसमें से लाइट आ रही है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या होगी टी आई आर, तो ये लाइट तो दिखी, ये तो वापिस ही चले गई,
क्लियर हुआ, समझ आया? पक्का फॉर्मल रटना नहीं है, हर बार सर्कल बने जरूरी नहीं है, कुछ भी डिपेंड करता है क्वेश्चन, डिपेंड करता है। क्या ये समझ आया आपको? आ जाए एक अच्छा क्वेश्चन बताता हूँ, उसका बताऊ क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये एन वन और ये रूट टू और ये वन, ये रूट टू और वो भी रूट टू है ना, रिफ्रैक्शन कैसे होगी फिर? यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे एक मीटर नीचे, एक मीटर मैंने ना एक एलईडी रख दी, क्या रख दी? डिंग 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 डिंग, 10 मीटर की, कितने मीटर की? 10 मीटर की एलईडी रख दी भाई मैंने, कितने मीटर की? 10 मीटर भाई, ऑब्जर्वर है, फाइंड द एरिया। क्लियर होगी बात? ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड तरीका इसको सॉल्व करने का, आप इसको पहली बात ऊपर से देखो, कहां से देखो? ऐसे करके टॉप व्यू बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं? तो क्या टॉप व्यू में ये ऐसी दिखेगी जलती हुई 10 मीटर की? अरे हाँ ना, तो बोल, ऐसी दिखेगी ना जलती हुई? अब एक काम करो, क्या जो मैंने बल्ब लिया था, क्या वो पॉइंट ऑब्जेक्ट था सिंगल? हाँ, पर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ये थोड़ी है पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये तो फैली हुई है लाइट। आप क्या मान सकते हो, हर एक पॉइंट इस पे, हर एक पॉइंट इसका क्या बल्ब की तरह ट्रीट कर सकते हो? हाँ। और बल्ब से जो हमको दिख रहा था, क्या वो सर्कल की फॉर्म में दिख रहा था? तो इससे भी क्या बनाओ सर्कल, ये देखो ये ऊपर वाला है, हम ऐसे करके देख रहे हैं इसको, तो यहां से ये क्या बना रहा है सर्कल, देखो फील करो, ये ऐसे पड़ी है, तो हम ऊपर से देख रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट क्या बनाएगा सर्कल, फिर ये वाला भी, फिर इसके साथ वाला भी, फिर इसके साथ वाला भी, साथ साथ में सर्कल, ये देखिए ऐसे बनेगा, पहले ये सर्कल, फिर इसके साथ वाला बिल्कुल ये सर्कल, फिर ये सर्कल, फिर ये सर्कल, फिर ये सर्कल, क्या ऐसे बनाएगा? अरे हाँ ना, तो बोलो, ऐसे ही बनाएगा ये देखो, पहले ये वाला सर्कल बनाएगा ना, तो इसका गोलू तो ऐसे बनेगा, फिर ये वाला सर्कल बनाएगा, इसका ऐसे बनेगा, फिर ये वाला इसका ऐसे, फिर ये वाला इसका ऐसे, ये वाला इसका ऐसे, ये वाला इसका ऐसे, और ये वाला इसका ऐसे। अगर हम इसकी शेप देखें, क्या देखें इसकी, तो ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, क्या ऐसी शेप बन रही है इसकी? अगर मैं प्रैक्टिकल बात बताऊँ, तो ये शेप ऐसे है, ऐसे, ऐसे, और यहाँ से सेमी सर्कल, यहाँ से ऐसे, और ये लेंथ क्या दे रखी है हमको, कितनी है? 10 मीटर। कितनी मीटर? अगर ध्यान से देखो, तो जो ऊपर गोला बना रहा था वो क्या 1 मीटर का था पिछले क्वेश्चन में, तो इसका भी जो यहाँ पे जो रेडियस होगा, क्या ये भी 1 मीटर होगा? अरे हाँ ना, बोल, अगर ये 1 मीटर, तो ये टोटल कितना, क्या 2 मीटर? अरे तुम्हें एरिया सॉल्व करना आता है? नहीं आता है? ध्यान से देख, इसको ऐसे लाइन मार, तेरे पास क्या है? दो सेमी सर्कल और एक क्या रेक्टेंगल, और 10 इंटू 2 तो क्या 20 प्लस, अगर सेमी सर्कल सेमी सर्कल जोड़े तो क्या सर्कल बनता है? सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज द आंसर। क्या फील आया तुम्हें? क्या पता चला है? नहीं चला? बोलो। अच्छा, आपने वो, आप टिकटॉक करते हो ना, टिकटॉक, टिकटॉक की रिंग देखी है आपने? अरे देख लो यार, ऐसे करके रिंग होती है उसकी। अरे रिंग लाइट देखी है कभी? टिकटॉक बनाने में यूज होती है, गधेड़ो सबके पास होगी घर पे। यहाँ पे देखो, ऐसी होती है, नहीं होती है? सुन ले, अब इसको डाल दिया मैंने पानी में, किसमें डाल दिया, मतलब रूट टू में डाल दिया, किसमें भी डाल दिया, ऊपर कैसे नजर आएगा सुन, क्या इसका भी गोलू, इसका भी हर पॉइंट क्या गोलू गोलू बनाएगा ऊपर से? तो ध्यान से देख कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, नहीं बनेगा? अरे हाँ या ना, बोल। तो ध्यान से देखो, तो ये क्या बना? नहीं, बीच में भी तो खाली है ना, ये बना एक डिस्क। क्या बनी? एक डिस्क। हाँ, सर्कल भी बन सकता, सुनो कैसे। मान लो इस पॉइंट का रेडियस कुछ ऐसा बन जाए कि ये इसको ओवरलैप कर गया, तो फिर क्या बनेगी ये सर्कल? क्या बनेगा? क्या फील आया या नहीं पता चला? देखो ना, ये बड़ा भी हो सकता है ना, मैंने गोलू इतने इतने बनाए हैं, बड़ा भी तो बना सकता हूँ। क्या क्लियर है बात? पक्का? समझ आया नहीं आया? ठीक है, बिल्कुल। फिर इसकी एप्लीकेशन एक आती है, उसको हम बोलते हैं मिराज। क्या बोलते हैं? मिराज। क्या बोल रहे हो? मिराज, धोखा, मिराज। हालांकि मिराज में मेरी जो अप्रोच है वो बहुत अलग है, सुन लो कैसे। मिराज बोला जाता है टी आई आर की एप्लीकेशन है, किसकी? बट
एचसी वर्मा साहब, आपको पता ना कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है उनकी किताब, एचसी वर्मा ने बताया है, सर ने बताया है कि ये जो फिनोमेना बेस है ना, ये स्नेल्स लॉ पे बेस है। किस पे बेस है? स्नेल्स लॉ पे। बोलते टी आई आर हो जरूरी, वो इसका वो एग्री नहीं करते हैं इस बात से, वो एग्री करते हैं, पर आपके जो सिलेबस में पढ़ाया जाता है वो टी आई आर की वजह से ही पढ़ाया जाता है। आपको जो पढ़ाया जाता है मैं सिखा देता हूँ जल्दी जल्दी से। टी आई आर पहली बात होता है धोखा। क्या होता है बेटा ये? धोखा। किसका किसका धोखा? आंखों का धोखा। किसका धोखा? मान लो बहुत कोई गर्म जगह है, कैसी है? बहुत जल्दी ले, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। कोई गर्म जगह है यहाँ पे, उसकी लेयर्स है यहाँ पे ऐसे, ठीक है? कोई गर्म जगह है और यहाँ पे कोई मेरे पास ऐसे कोई टावर है, ये है ए और ये है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक है? अब होता क्या है, मान लो ये सतह है, ये क्या है बेटा? सतह। ये क्या है बेटा? सतह मतलब बिल्कुल लोअर एरिया, ठीक है? ऐसे सतह है ये। तो होता क्या है कि ये सतह है ना, तो ये बहुत हॉटर होती है। क्या होती है बेटा? बहुत गर्म हो जाती है रेगिस्तान वगैरह से टाइप एरिया में, तो गर्म होती है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका कम हो जाता है। क्या हो जाता है? तो यानी ये अगर मैं N1 मान लूं, इसको N2 मान लूं, इसको N3 मान लूं, तो मैं बोल सकता हूं क्या N3 इज ग्रेटर देन N2 इज ग्रेटर देन, इसमें कोई शक की बात? इसमें कोई शक की बात? ठीक है, मैं यहां से आ रहा हूं, मेरी आंखें यहां पे है भाई। तो मान लो ये सूर्य देवता है, क्या ये? तो सूर्य ने इस पे रेज लाई, अब ये रेज यहां पे आएंगी, सुन ध्यान से, छोड़ सूर्य की रेज, छोड़ इसकी रेज आई, हमने देखना ना इसको, इसकी रेज आई ऐसे, जब इस पे पड़ी तो बेटा फील कर, ये वाला डेंसर और ये वाला रेयर, तो चीजें कहां से आ रही है? डेंसर से यही फिर गई। और मान ले यहां पे क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हो गया, क्योंकि डेंसर से रेयर जा रहे हैं, इस टाइम पे क्रिटिकल एंगल आई किसके बराबर हो गया? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, यहां पे आई क्रिटिकल एंगल से क्या हो गया, इसका मतलब अब रिफ्लेक्शन, अब होगी रिफ्लेक्शन, क्या ऐसे जाएगी? और मान ले यहां पे मेरी आंखें, यहां पे क्या है मेरी, मेरी आंखों क्या लगेगा यहां से? ना 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 ना, मेरी आंखों के ऑब्जेक्ट यहां दिखाई देगा और ऑब्जेक्ट दिखाई देगा उल्टा, कैसा? यहां होगा, ये देखिए रेज आ रही है, तो यहां होगा हमारा बी और यहां होगा हमारा, इसमें कोई शक की बात? फील कर, होता क्या, मैंने आगे रेगिस्तान में जा रहा हूँ, टन टन टन, सामने एक पेड़ है, मैंने सामने क्या, एक पेड़, तो पेड़ नहीं दिख रहा मुझे, पेड़ की परछाई दिख रही है मुझे, ये थोड़ी दिखेगा मुझे, तो ये दिखेगा, तो परछाई कब दिखती है? पानी में कब दिखती है, या शीशे में? तो हमको लगेगा नीचे क्या है बेटा, पानी, नीचे क्या है? और YouTube पे वीडियोस भी हैं, आप देख सकते हो, शरेआम वीडियोस में भी कैप्चर हो जाता है TIR, मतलब मिराज जो है वीडियोस में कैप्चर हो जाता है, तो यही फेनोमेना, इसी को बोलते हैं मिराज। क्या बोलते हैं? मिराज। अब एचसी वर्मा क्या बोलते हैं, ये गलत है, सुन लो, अरे सुन लो यार, कुछ अच्छा सिखा रहा हूं तुम्हें। बोलते हैं ये गलत है। बेसिकली हो रहा क्या, देखो आप सोचो क्या हो रहा है, यहां से रे आ रही है और यहां जा रही है, तो देखो एचसी वर्मा क्या समझाते, सुनो, एचसी वर्मा बोलते हैं यहां से कुछ रेज आई और क्या यहां गई, ऐसे ही हो रहा है, अरे ऐसे ही हो रहा है ना, वो बोलते हैं ये TIR की वजह से नहीं हो रहा। क्यों समझाते हैं वो बोलते हैं कि अगर आप इस लोअर मोस्ट पॉइंट पे देखो, देखो बिल्कुल लोअर मोस्ट पॉइंट पे, यहां से ऐसे, यहां तो एंगल कितना है 90, आई कितना है बेटा 90, तो उसने बोला आई 90 है तो आर भी कितना होना चाहिए 90, तो ये जो एंगल आर होना चाहिए तो आर 90, इसका मतलब रे तो आगे को जाने चाहिए, रे ऊपर को जानी, ये प्रैक्टिकल बात है। अरे हम सब उन्हीं उन्हीं की देन पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं बहुत बड़े व्यक्ति हैं, वो ऐसे नहीं कोई 30 मार्क का तेरे गली के कुलचे वाला, उन्होंने बोला ये ऐसे होना चाहिए, तो मिराज इससे दिखता नहीं, उन्होंने बोला मिराज दिखता स्नेल्स के नियम से, किससे? उन्होंने समझाऊं? हाँ। पर ये बात समझ आई तुम्हें? हाँ सर, ये 90 है तो ये भी 90, तो रे तो यहां जानी चाहिए, रे यहां क्यों गई? उन्होंने बोला स्नेल्स का नियम क्या कहता है, क्या N1 sin 1 = N2 sin 2? आर बेसिकली, इसका मतलब क्या, इसका मतलब नहीं समझे, इसका मतलब ये है कि जो n into sin theta है ना, जो भी एंगल है वो कांस्टेंट है, कैसे बेटा? कांस्टेंट है, यानी अगर मैं यहां पे एक टेंजेंट मारूं, क्या मारूं, तो इसका जो n है यहां का, तो sin theta कांस्टेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो ध्यान से देख, जब जब ऊपर जा रहे हैं तो n भी चेंज हो रहा है, थीटा तो चेंज हो रहा है, यहां N1 है और यहां N2 और यहां पे, उसने बोला ये चीज कांस्टेंट करने के लिए ये चीज होती है, और ऐसे ये होती, क्योंकि अगर ये सीधी चले जाएगी तो ये चीज कांस्टेंट रहेगी, उसको कांस्टेंट रहना पड़ता है, उसकी वजह से ये फिनोमेना होता है जिसको मिराज बोलते हैं। उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, 13 मिनट की वीडियो देख लेना, बहुत अच्छी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सॉल्ट वाटर लिया, क्या लिया? सॉल्ट वाटर के ऊपर पानी लिया, बेसिकली पानी लिया, क्या लिया? सॉल्ट वाटर लिया, उनको मिक्स मिक्स नहीं किया, उनको ऐसे धीरे धीरे फेंका उसको, और जब लेजर लाइट मारी ना, तो पर उन्होंने उल्टा किया, देखो अगर इससे ये ऐसा हो रहा है तो उधर से आगे तो ऐसे बनेगा, अगर यहां से डालो तो यहां हो रहा है, अगर नीचे से डालो तो ये ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा? और उन्होंने प्रूफ किया, ये इक्वेशन पैराबोला की बनी, किसकी बनी? अरे इक्वेशन पढ़ी है, y² = 4ax, ये प्रूफ किया उन्होंने स्नेल्स लॉ से। अगर आप ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन पैराबोला की, किसकी? पैराबोला। बेटा x की वैल्यू 1 का मतलब पता क्या होता है? x की वैल्यू 1 का मतलब होता है कि पैराबोला x वाली साइड खुलेगा,
तो क्या खुल रहा है पैराबोला यहाँ पे, क्या है पैराबोला ही तो है। अगर आप ध्यान से देखो ये भी एक पैराबोला शेप ले रहा है, क्या ले रहा है पैराबोला। उन्होंने प्रूफ किया, क्या फील आ गया, बट उन्होंने जो प्रूफ किया वो माइनस एक्स के लिए किया, किसके लिए, यानी उन्होंने प्रूफ ऐसे किया और वो दिखता है वीडियो में कि हाँ पैराबोलिक पाथ ले रहा है वो। आपने स्कूल में ऐसा ही करना है, बट क्या पता आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उनको एडिशन ऐसा पढ़ाया जाए, क्योंकि उन्होंने ये बात बोल दी है। तो हम यानी एनसीईआरटी कंसिडर कर रही है कि चेंज करेंगे, टाइम लगता है सब चीज़ों को, ठीक है। तो मुझे लगता है अब आगे ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, बता दूँ सीखना है कुछ, ठीक। इसके बाद आता है ऑप्टिकल फाइबर, क्या आता है ऑप्टिकल फाइबर, लास्ट एप्लीकेशन है इसकी, टीआईआर की, सुन लो, बकवास सी है, मैंने 2 मिनट में खत्म करानी है, 1 मिनट में। यहाँ पे देखो ऑप्टिकल फाइबर, फाइबर्स देखे हैं आपने, अरे देखिए फाइबर किस काम आते हैं, ऑडियो वीडियो वाईफाई शाई इसी के लिए आते हैं ना यार, इसी के लिए काम आते हैं। देखिए फाइबर, ये देखो ये लगा फाइबर, हाँ भाई तुम्हें एक ही पता कि दे रहा हूँ, ठीक है। सुन लो सुन लो यार, फाइबर कैसे काम करते हैं, सुन लो। इस चीज को हम बोलते हैं क्लैडिंग, क्या बोलते हैं क्लैडिंग, बिल्कुल डटने वाला पार्ट है, अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं कोर, क्या बोलते हैं, मान ले इसका कोर, क्या इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1, इसका बेटा हमेशा N1 बड़ा होता है N2 से, इसमें कोई शक की बात। इसको ऐसा डिजाइन किया जाता है कि लाइट कहीं से भी एंटर करे वो हमेशा जो भी एंगल बनाए आई वो क्रिटिकल एंगल से कैसा हो, बड़ा हो, क्योंकि बड़ा होगा तो क्या फिर ऐसे आएगी, फिर यहां से टकराएगी, ये भी बड़ा होगा फिर क्या ऐसे जाएगी, अरे हाँ ना बोल, और फिर चलती रहेगी। यानी इसमें लॉस बहुत कम होता है, लॉस कैसा होता है, अब डिपेंड करता है कौन से टाइप की, कौन से नेचर की ऑप्टिकल फाइबर है। मान लो बहुत अच्छी फाइबर है, अगर बहुत अच्छी फाइबर है तो अगर देखे देखे आपने ऐसे सुना है कि 40 Mbps स्पीड देंगे हम, पर पहुंचती वही 6 Mbps, जैसे मैंने एयरटेल लगाया, ये बोलते 40 Mbps है पर पहुंचती 6 Mbps, कितनी, पर अगर इनका फाइबर अच्छा हो तो क्या पता 40 में से 35 भी पहुंच सकती है, एफिशिएंट है ये, क्योंकि एनर्जी को लॉस करवाते हैं, हाँ थोड़ी बहुत ही तो एनर्जी लॉस होती है, बट आप ऐसे मान सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली 100% एनर्जी दे सकते हैं अगर अच्छे फाइबर होंगे। ये तो घटिया फाइबर होते हैं, इससे अच्छे फाइबर भी आते हैं, बहुत मोटे मोटे तार वाले फाइबर भी आते हैं, जियो का फाइबर और अच्छा है थोड़ा सा एयरटेल से, पर एयरटेल के पास भी तारें अच्छी हैं, इसमें कोई शक की बात। अब ध्यान से देखो, अगर TIR ही नहीं होता तो ये किस पे बेस है, ये 100% किस पे बेस है, TIR पे, क्योंकि हर बार एंगल कैसा बन रहा है। और देखो मीडियम कौन सा है, ये मीडियम कौन सा, रेयर सॉरी ये कौन सा, डेंसर, डेंसर से ये क्लैडिंग का क्या है, रेयर, तो डेंसर से रेयर जाओगे तभी तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और अगर ये आई सी से बड़ा होगा तभी क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऐसे चलता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कहानी, क्या तुम्हें समझ आई, पक्का। चलो आ जाओ एक और क्वेश्चन देख लो लास्ट, टाइम कितना हो रहा है, 6:10। अच्छा ठीक है, 5 मिनट का क्वेश्चन है, पर एक काम करो सांस लो, तब तक तुम सांस लो फिलहाल, मुझे पता है तुम्हें सांस की जरूरत है। आ जाओ क्वेश्चन, बात नहीं करना, ठीक है। मान लो ये आपकी एक्स एक्सिस और ये आपकी, ठीक है, और ऐसे लाइट आई, इंसिडेंट रे ऐसे आई, देख ऐसे, ठीक है, थीटा एंगल पे, कितने एंगल पे, ये इंसिडेंट, ठीक है, थीटा एंगल पे आई, कितने पे आई, थीटा एंगल पे, और इस थीटा को बोला गया ग्रेजिंग इंसिडेंट, क्या बोला गया, ग्रेजिंग इंसिडेंट। अच्छा एक और चीज होती है ग्रेजिंग एमरजेंस, क्या बोलते हैं, एमरजेंस मतलब जब क्रिटिकल एंगल हो, क्या हो, तो आर क्या 90 हो जाता है, तो उस चीज को बोलते हैं ग्रेजिंग एमरजेंस, क्या बोलते हैं, यानी जो एमरजेंट रे बनी, जो रिफ्लेक्टेड रे आई, वो ग्रेज करती हुई चलेगी, ग्रेज मतलब जमीन को छूती हुई चलेगी, क्लियर। अब ग्रेजिंग इंसिडेंट का मतलब जो इंसिडेंट रे आ रही है वो जमीन को छूती हुई आ रही है ऐसे आराम से, ठीक है, पर इसका मतलब क्या, सुनो इसका मतलब, ये जो थीटा है ना ये अप्रोक्स 90 नहीं है, ये है 89.99999999, कितना नहीं, 10 पीढ़ियां नहीं, तो अप्रोक्स हम कितना ले सकते हैं इसको, 90 कितना ले सकते हैं, ये गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन है ये वेरिएबल रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का, कितने का, किसका, वेरिएबल रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, क्या अभी तक जितना भी क्वेश्चन किए क्या कॉन्स्टेंट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स था, अब वेरी कर रहा है, अब क्या कर रहा है बेटा, वेरी कैसे कर रहा, सुनो जो इक्वेशन दी उसने वेरी करने की, वो दी एन इज इक्वल टू के वाई की पावर 3/2 प्लस 1 की पावर 1/2, यानी एन एक्स के साथ वैरी कर रहे हैं वाई के साथ, इक्वेशन में एक्स है वाई है, तो वाई के साथ वैरी कर रहे हैं, और अगर ध्यान से देखो तो वाई बढ़ रहा है तो एन भी बढ़ रहा है, यानी कहने का सिंपल सा तात्पर्य ये है, तात्पर्य वाह, कि हम जब इससे ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम रेयरर से
डेंसर की मीडियम की तरफ जा रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और उसने एक और चीज दे दी, उसने बोले के की वैल्यू 1 है भाई, के की वैल्यू 1 है। अच्छा उसे टेंशन मत, तुम समझ जाओगे। रे यहाँ से अब यहाँ जाना चाहते हैं, अगर ध्यान से देखो यहाँ जाना चाहते हैं, और ये हवा है, ये क्या है बेटा, हवा से अगर यहां भी अगर ध्यान से देखो, ठीक है ये भी रेयर है और ये भी डेंसर, ये भी रेयर और ये भी, जब रेयर से डेंसर जाती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, क्या होती है नॉर्मल, तो यही है। पर इसका मतलब बेंड क्या, इसने इसकी तरफ होना ऐसे, अरे फील कर जाना ऐसे था ना, पर क्या बेंड अब ऐसे होगी, बट बेंड स्ट्रेट लाइन में बेंड हो गई, क्यों बेंड, हाँ फील करो स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं बेंड होगी, क्योंकि ये स्ट्रेट की इक्वेशन ये तो लगातार बढ़ रहा है, यानी कि थोड़ा पैराबोलिक पाथ लेगी, कैसे लेगी एग्जैक्टली पैराबोलिक नहीं, पर वैसे बता रहा हूँ ये ऐसी, ये देखो पाथ ऐसी ऐसे इस तरफ जाएगी, अरे हाँ ना बोल, जाती इसने सीधी, देखो मुड़ रही क्यों है, नॉर्मल की तरफ होना है ना इसने, तो ऐसे करके मुड़ रही, फील आ गया नीचे रह रहा है, फिर डेंसर, हाँ तभी ऐसा हो रहा है, क्या इतनी बात क्लियर है। अच्छा अब हम क्या करें, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ द पाथ, ये जो पाथ है इसकी इक्वेशन बताएं, जो ये पाथ है इसकी क्या बताएं, इक्वेशन बताएं, इसमें कोई शक की बात, आ जाओ ध्यान से करते हैं, देखो क्या हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं, जब कोई भी चीज वेरिएबल होती थी तो एक्स पे जाके डीएक्स करते थे, नहीं करते थे, कोई नई बात थोड़ी है हमारे लिए, पर वो करते क्यों थे, क्योंकि उस डीएक्स या उस डीवाई एलिमेंट के लिए वो चीज कांस्टेंट होती थी, क्या होती थी, अब मुझे एक बात बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स के साथ चेंज हो रहा है वाई के साथ, तो जो स्ट्रिप काटेंगे वो एक्स में काटेंगे वाई में, किसमें काटेंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है, जो स्ट्रिप काटेंगे वो किसमें काटेंगे, बिल्कुल सही बात है, मतलब स्ट्रिप काटेंगे हम एक वाई में। अब ये स्ट्रिप क्यों काटेंगे इसको यहां पे समझते हैं, ठीक है ये स्ट्रिप क्यों काटेंगे इसको यहां पे समझते हैं, ठीक है ध्यान से सुनना, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन के लिए ये कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। मान लो हमारे पास ऐसे स्लैब्स हैं, क्या है हमारे पास स्लैब्स, क्या है हमारे पास, मान लो ये है N1, ये है N2, ये है N3 और ये है N4, इसमें कोई शक की बात, जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना। मान लो यहां पर आई, ठीक है आई एंगल पे आई, कितने पे, तो कहां से N1 से N2 जा रही है, N1 से, तो मान ले यहाँ गई, देख यहाँ गई, फिर यहाँ से, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ से, फिर अरे हाँ ना तो बोल, अब एंगल दे देते हैं इसमें, मान ले ये एंगल दिया R2, क्या दिया ये एंगल, तो ये भी R2, अब ये R3, तो ये भी यही तो R3, क्या बोल रहे हो, ये R4, तो आगे भी R4, ऐसे ही होगा। अगर तू ध्यान से देख तो क्या लिखेंगे इसके लिए, क्या लिखेंगे देख, पहले वाले हम लिखेंगे क्या, N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R2, इन दोनों के लिए N1 sin I is equal to N2 sin R2. अब इसके और इसके लिए क्या लिखेंगे सुनना, क्या N2 sin R2 is equal to N3 sin R3, इसके ऊपर वाले के लिए N3 sin R3 is equal to N4 sin R4, क्या फील आया, सीख क्या मिलती है सुनो, क्या ये इसके बराबर है और यही इसके बराबर है और यही इसके बराबर है, तो क्या ये और ये बराबर है, बिल्कुल। तो सीख क्या मिली, N initial sin I is equal to N final sin R final, क्या फील आया, यानी हम इस दोनों को क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका आंसर, क्या फील आया, पर कंडीशन क्या सुनो, कंडीशन यही है कि रेयरर से डेंसर जाए तब कोई दिक्कत नहीं, तब कोई दिक्कत नहीं, पर डेंसर से रेयरर जाए तो चेक जरूर कर लें कि कहीं TIR तो नहीं बलग रही है, कंडीशन क्या है, अगर रेयरर से डेंसर तो थोड़ी होती है TIR, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर डेंसर से रेयरर चले जाए तो TIR होनी, क्योंकि फील करो ना अगर TIR हो जाए तो आगे जाएगी नहीं, क्या पीछे ही आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी, तो ये चेक करना। पर हमने क्या चीज सीखी कि N इनिशियल साइन इनिशियल इज इक्वल टू N फाइनल साइन R फाइनल, क्या ये बात याद रखोगे, मैं यहां पे साइड पे लिख देता हूं, N इनिशियल साइन I इज इक्वल टू N फाइनल साइन R फाइनल, मिटाओ उसको। यहां पे अगर आप एक चीज देखो, मान लो ये सर, ये ले लो आप 2, ये ले लो 1, ये ले लो √2 और ये लो 3, ठीक है, ये लाइट रे यहां से गई 45 डिग्री पे, कितने डिग्री पे बताओ, कितने पे बाहर निकलेगी बताओ, बताओ कितने पे, कितने पे, कैसे सुन, कैसे क्या सुन, स्नेल्स को नियम लगाते हैं, उसने क्या बोला, यहां का देखो और यहां का देखो, बाकी देखना यार यहां से ऐसे करके यही होगी और यहां से निकली होगी, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इनटू दिस, यानी साइन 45
इंटू टू इज इक्वल टू क्या साइन आर इंटू थ्री, थ्री क्या वन ले ले इसको, क्या वन दिया बेटा साइन 45 की वैल्यू वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू ये इंटू टू इज इक्वल टू क्या साइन आर, ध्यान से देख तो ये वैल्यू कितनी बची, ये वैल्यू आ गई वन बाय रूट टू, इसको क्या बोल सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू, तो ये और ये कटा साइन आर की वैल्यू आ गई रूट टू, कितनी वैल्यू आ गई सिंपल, इसमें कोई शक की बात, हम बोलेंगे ये निकली आर साइन इनवर्स रूट टू पे, अरे हाँ ना बोल, ये एंगल बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, इसमें कोई शक की बात, बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा गलत कर दिया हमने, ये पूरा क्या कर दिया, क्यों क्रिटिकल एंगल निकालो यहाँ पे साइन सी इज इक्वल टू क्या वन बाय टू क्या 30 डिग्री, तो क्या 45 30 डिग्री से ज्यादा है, 45 30 डिग्री से ज्यादा है नहीं, क्रिटिकल एंगल क्या 30 है, तो 30 से क्या ये ज्यादा हो गया, तो क्या होगा TIR होगा नहीं होगा, आगे जाएगा ही नहीं ये तो पीछे आ जाएगा 90 डिग्री से घूम जाएगा, कितने से एंगल ऑफ डिविजन, अरे तुम्हें आया नहीं आया, मतलब फिर ये चेक करना है आपको, चेक क्यों करना, सुनो क्या ये डेंसर मीडियम था और ये क्या रेयरर था, तो शक आना चाहिए था और तुम्हें आया नहीं, हालांकि मैंने बताया भी था, क्लियर है बात पक्का, अबे 90 से डेविएट कर 90 कैसे 90, चलो यहां पे देखो सुन सुन यहां पे देखो, अगर ध्यान से देखो तो इसको मैं बोलता हूं डी वाई, क्या बोलता हूं इस डी वाई के लिए तो एन कॉन्स्टेंट है, फॉर डी वाई एन कैसा है, क्योंकि क्या मैंने छोटी स्ट्रिप ली है तो एन कैसा रहेगा इसके लिए कॉन्स्टेंट, अगर मैं इसको जूम करूं क्या करूं इसको, तो ध्यान से देखिए इसको जूम यहां पे करता हूं, इस स्ट्रिप को ये ऐसे है और ये और क्या ये ऐसे है, अगर तू ध्यान से देख तो अगर बिल्कुल छोटी स्ट्रिप होती तो इसके लिए क्या स्ट्रेट लाइन होती, क्या होती है इसके लिए स्ट्रेट लाइन, और अगर मैं इसकी स्लोप निकालता क्या निकालता तो क्या टेन थीटा से मिलती है, अगर ये एंगल थीटा तो क्या ये एंगल भी थीटा, अगर ये एंगल थीटा तो ये वाला जो एंगल है वो हुआ 90 माइनस थीटा, क्या हुआ 90 क्या हुआ 90, इसमें कोई शक की बात नहीं है, आओ अब स्नेल्स का नियम लगाओ, क्या लगाओ स्नेल्स का नियम, पर कैसा इनिशियल और फाइनल लगाना, कौन सा इनिशियल और, क्योंकि फील करो क्या यहाँ पे बहुत सारी स्लैब्स होंगी, क्या यहाँ पे बहुत सारी स्लैब्स होंगी, क्या यहाँ पे बहुत सारी स्लैब्स होंगी नहीं होंगी, बट उसमें हमको कोई फर्क, हमको क्या देखना है इनिशियल और अभी पढ़ा क्या, अभी पढ़ा नहीं पढ़ा तभी तो पढ़ा, हमको क्या देखना है इनिशियल और इनिशियल, देखो क्या हवा से आ रहे हैं तो क्या लिखेंगे 1 इनटू साइन थीटा का 90 है इनिशियल 90 इज इक्वल टू, फाइनल देखो आर की वैल्यू क्या 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा इनटू वैल्यू कितनी है उसकी, एन की वैल्यू देख, एन की वैल्यू के पर के की वैल्यू क्या बनती है, तो क्या लिखेंगे वाई की पावर 3/2 प्लस 1 की पावर 1/2, कोई शक की बात, साइन 90 का 1 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, अगर देखिए वैल्यू यहां आई तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आई वो आई 1 डिवाइडेड बाय, यहां पे देखो ये आई y की पावर 3/2 प्लस 1 की पावर 1/2, कोई शक की बात नहीं, क्या इतना समझ आया, इतना समझ आ गया आपको बेटा, cos थीटा किसके बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, किसके बराबर, तो ये क्या बेस होगा हमारा और ये क्या होगा हमारा, ऐसे ही बता रहा हूं थोड़ी देर के लिए, हमने देख लिया थीटा, अगर आप ध्यान से देखो तो tan थीटा किसके बराबर होता है स्लोप के बराबर, उसी को बोलते हैं dy / dx, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, अगर cos थीटा इसके बराबर है तो tan थीटा किसके बराबर होगा, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पर परपेंडिकुलर को क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखना क्या ऐसे लिख सकता हूं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, बोलते हैं ना यार डिवाइडेड बाय बेस, ध्यान से देखो क्या हाइपोटेन्यूज पता है हमको, क्या बेस पता है हमको, तो tan थीटा निकाल यहां से, tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बेटा h का स्क्वायर, यानी ये क्या h है इसका स्क्वायर मार, क्या मार इसका स्क्वायर, इसका वैल्यू आ जाएगी, तो ये 1/2 कट जाएगा, तो देखो ये वैल्यू आई y की पावर 3/2 प्लस 1 और माइनस बेस का स्क्वायर, बेस की वैल्यू तो 1 तो माइनस 1 वेरी गुड डिवाइड बाय बेस की वैल्यू क्या है 1 तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो ये और ये कटा, अगर अंडर रूट हटाऊं तो क्या 1/2 और आ जाएगा, तो tan की वैल्यू आ गई y की पावर 3/4 कितनी आ गई 3/4, इसमें कोई शक की बात नहीं, अरे 1/2 भी है ना इसका अंडर रूट का, तो 3/4 ठीक है, tan थीटा मिल गया, पर tan थीटा किसके बराबर होता है dy / dx, कुछ खत्म हो गया, अब ध्यान से देखो dy कैसे लिख सकता हूँ dy / dx इज इक्वल टू tan थीटा, क्या y की पावर 3/4, तो ध्यान से देख dx को यहां ले जा और y की पावर 3/4 को यहां ले जा, y को y के साथ x को x के साथ दोनों साइड कर दे इंटीग्रेट, क्या कर दे 0 से लेके x 0 से लेके y, अगर तू ध्यान से देख तो 1 / x
क्या वाई की वैल्यू ऊपर जाएगी तो क्या माइनस थ्री बाई फोर हो जाएगी, तो अपर लिमिट माइनस वो नहीं करना है इसमें, फॉर्मुला लगाना है x की पावर n का, क्या फॉर्मूला x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय, तो यानी से ध्यान से देख ये माइनस में गया ऊपर, तो y की पावर माइनस 3 बाय 4 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 3 बाय 4 प्लस 1, तो ये बचेगा 1 बाय 4 और ये भी बचेगा, क्योंकि देखो 4 यहां जाएगा 4 नीचे आएगा तो 1 बाय 4, तो ये वैल्यू आ गई y की पावर 1 बाय 4 और डिवाइड बाय 1 बाय 4 तो क्या 4 है, यहां आ गई और ये बराबर है x, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ, यानी जो इसकी आंसर आया वो आया x इज इक्वल टू 4 y की पावर 1 बाय 4 इज द आंसर, यानी ये जो कर्व था इसकी इक्वेशन ये बनी। क्या फील आ गया, ऐसा लग रहा पैराबोलिक, पर पैराबोलिक क्योंकि पैराबोलिक का मतलब क्या होता है, 1 की पावर 1 और 1 की पावर 2, क्या फील आ गया, ये आंसर था 10 नंबर का था जेड वंस का, प्रांतों ने निकल गए, देखो कि रुको एक मिनट भागते रहते हो, खूबसूरती देखो क्वेश्चन की, सुनो सुनो पहले बात सुन लो भाई, इधर खूबसूरती देखो, सुनो सुनो सुनो, उसने ये चीज दी आपको, थीटा दिया, वन दिया, डिफ्रेक्टिव इंडेक्स उसने वेरिएबल दिया, क्या दिया वेरिएबल, सबसे पहले आपको स्ट्रिप काटनी आनी चाहिए थी, कैसी स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल क्यों काटी, क्योंकि वाई कांस्टेंट था, कैसा था, सॉरी वाई चेंज हो रहा था, अगर मैं सुनो यहाँ पे मैं एक्स लिख देता, क्या लिख देता, तो फिर स्ट्रिप कैसे काटता यार, देखो पता चला ना, फिर स्ट्रिप कैसे काटनी पड़ती, क्योंकि वाई एक्स में चेंज हो रहा था। अच्छा दूसरा एक चीज देखो कि पहले सबसे पहले हमको उस कॉन्सेप्ट का यूज आया, हमने cos थीटा निकाला, क्या निकाला cos थीटा, से हमने ये वैल्यू नहीं निकाली है, cos थीटा से हमने बेस और हाइपोटेन्यूज का पता लिया, और वो बेस और हाइपोटेन्यूज को कन्वर्ट करके हमने tan थीटा में डाला है, और tan थीटा किसके बराबर होता है dy / dx, फिर वहां से उसको रिलेट करके x और y के बीच में हमने इक्वेशन बताई है ट्रेजेक्टरी की, ये जो ट्रेजेक्टरी इसकी क्या इक्वेशन है, इस पाथ की क्या इक्वेशन है, तो क्या क्लियर है बात, पक्का मजा आया, प्राण तो निकल गया आज, आज तो निकल ही गए हैं।